Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Class 12th की matrices की series में जो आज का video मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि matrices के almost सारे topics हम cover कर चुके हैं, जितने भी sequences हमने बनाए थे, starting से लेके what is the matrix, order of the matrix, number of elements in the matrix, rows, columns, transpose of a matrix, और symmetric, skew-symmetric, उस पर based theorems, और किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे वीडियोस वन बाय वन देख सकते हैं. तो आज का मैट्रिसेस का लास्ट वीडियो हमारा होने जा रहा है. इस वीडियो पे हमारा जो फोकस रहेगा वो हम MCQs मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर्स में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम MCQs सॉल्व करेंगे. देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से. तो पहला MCQ देखिए, पहला MCQ है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन. ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ. ये a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, और कंडीशन आपसे ये बोला गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगी. इसके लिए चार कंडीशंस दी हैं, वो चार कंडीशंस आप देखिए, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. उन ऑप्शंस को देखने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, जो हमने पहले देखा था कि मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन था वो ए आई जे से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. आई और जे की वैल्यू हम चेंज कर रहे थे, तो हमको मैट्रिक्स जो हमको थी उस मैट्रिक्स का हर एक अलग अलग एलिमेंट ए आई जे की हेल्प से चेंज करके हमको मिल रहा था. और उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. तो रोज पहले आती थी, कॉलम बाद में आती थी. और जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको बताई थी, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहा जाता है, उसमें जब स्क्वायर का शेप बनता है. और स्क्वायर का शेप कब बनता था? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो यानी कि ये जो ए आई जे है m बाई एन, जो इसका ऑर्डर दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज है m, नंबर ऑफ कॉलम्स है n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब m और n दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो m इक्वल्स टू n इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपका थर्ड वाला आंसर है. आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 और 1 इज. आपको बताना है कि किसी भी 3x3 की जो मैट्रिसेस हैं उसमें अगर आप 0 और 1 रखते हैं तो आपको टोटल कितने आंसर्स मिलेंगे, या टोटल कितनी मैट्रिसेस मिलेंगी. अगर हम बात करें a इक्वल टू ए आई जे 3x3, इसमें आपको जो ये 3x3 की मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहें, तो i और j की वैल्यू चेंज करते रहनी पड़ेगी हमको. पहला एलिमेंट आएगा a11, दूसरा a12, फिर a13, a21, a22, a31, a32 एंड a33. ये मैट्रिक्स बनेगी. अब कंडीशन ये दी है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जितने ये एलिमेंट्स हमको रखने हैं, इसमें एलिमेंट्स आपको या तो 0 रखना है या फिर 1 रखना है. 0 और 1 के अलावा कोई और एलिमेंट आप इसमें नहीं रख सकते हो. तो हर एक प्लेस की बात करें तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम 0 रख सकते हैं या हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं. यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज़, तो हर एक केस में आपको दो पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं. और इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने बनेंगे. आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं. मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, तो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेस. क्योंकि हर एक प्लेस पे आप के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 या 1, और टोटल कितने प्लेसेस हैं? 9. तो आंसर इज 2 रेज टू द पावर 9, और 2 रेज टू द पावर 9 2 की पावर 5 32, 2 × 2 × 2 × 2 64, 128,
इंटू फोर, फाइव हंड्रेड ट्वेल्व. सो द आंसर इज 512 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर फोर, डी ऑप्शन है. तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको सिर्फ दो नंबर दिए हुए हैं तो आपके पास इतनी मैट्रिसेस बन सकती हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं. आप 2x2 की मैट्रिसेस बनाइए इसी को लेकर के, तो कितनी मैट्रिसेस बनेंगी उसको आप ट्राई करिए. 4x4 बनाइए, उसमें देखिए कितनी मैट्रिसेस बनेंगी. तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए. आते हैं इस पे. क्वेश्चन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं. और दोनों का ऑर्डर भी सेम दिया हुआ है. तो ऑर्डर भी सेम है तो आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए जो है इसके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. क्या ये ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. तो इसका पहले ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं. इसका ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको सिमेट्रिक बोला था. अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव आ जाए तो हमने उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोला था. इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ये ए बी होल ट्रांसपोज बना था, ये बना था बी ए होल ट्रांसपोज. ए बी होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये रिवर्स हो जा रहा था, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन जाएगा. दोनों मैट्रिसेस जो है ए भी सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज फिर से ए बन रहा होगा और बी ये भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज भी बी बनेगा. तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी. ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला आ तो वही रहा है लेकिन इसमें साइन अपोजिट आ रहा है तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं. माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए बी माइनस बी ए बन गया. तो आप देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हमने निकाला आ तो वही रहा है लेकिन उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है. तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए देन उस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में. तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ये ए की वैल्यू आपको दी हुई है और ये दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो आपको बताना है कि ये जो अल्फा होगा वो अल्फा की वैल्यू क्या होगी. ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. और इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती थी. तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. आइडेंटिटी कितनी होगी, 1001. कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये जीरो बन जाएगा. साइन अल्फा ये भी जीरो बन जाएगा. कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001. कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो. ऑर्डर तो सेम है, 2x2 की मैट्रिक्स हमने लिए. और दूसरा, कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि हर एक पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो, दूसरा दूसरे के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली आ रहा है. तो यहां से हमको रिजल्ट मिल रहा है कि 2 कॉस अल्फा कितना होगा, 1 होगा. और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है ये आपको देखना पड़ेगा और उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो यहाँ से अगर हम अल्फा की बात करें, ये 60 पे होता है कॉस पाई बाय 3, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 3. तो पाई बाय 3 आपका बी ऑप्शन है इसमें. तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन है,
इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए के चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक है, आपको दिया हुआ है। इसी के साथ साथ ये भी दिया है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो यानी कि इसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव आएगा और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव भी आएगा। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए। इसको इधर लेकर गएंगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 1/2 जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स का मतलब हर एक एलिमेंट जीरो है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जीरो आएगा। इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज जीरो मैट्रिक्स। और आप देखिए इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ए इज अ डायगनल मैट्रिक्स, ये नहीं होगा आंसर। ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ट्रेस जो वर्ड है, हालांकि ये एकेडमिक में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हायर एजुकेशन में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो फिर ये एमसीक्यू यहाँ पे एक दिख रहा है, तो उसको भी मैं करवा दे रहा हूँ आपको। एक मैट्रिक्स आपको दिया है 4, 3, 0 और 19, इसका आपको ट्रेस बताना है। ट्रेस क्या होगा, बात करें किसी भी मैट्रिक्स के ट्रेस की, तो ट्रेस का मतलब होता है उसके प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल डायगनल है। प्रिंसिपल डायगनल क्या है यहाँ पे इसका, ये इस प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स के सम को ही हम उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं। काफ़ी यूजफुल रहता है हायर एजुकेशन में, इस ट्रेस से इनवर्सेस रैंक वगैरह निकालने में बड़ी आसानी रहती है फिर, और उसके करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये आपने आगे हायर एजुकेशन में जाकर के पढ़ना है। फिलहाल ट्रेस अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम आप कर दीजिए, 4 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ ए इज इक्वल टू 0110, तो आपको ये बताना है कि अगर हम ए रेज टू द पावर 4 करें, तो ए रेज टू द पावर 4 करने पे इसका आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए इक्वल्स टू 0110, ए स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 0110 इंटू 0110, कैसे मल्टीप्लाई करना था आपको बताया था मैंने, 0100 1 0 और ये 1 आ जाएगा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कोई भी एक डायगनल मैट्रिक्स दी जाए, ध्यान रखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपने डायगनल मैट्रिक्स देखनी है, और या सीधा सीधा हम कहें कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने इसका स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर निकालने के बाद 1001 आ गया। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे, ये कैसे मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अब कितनी भी आप पावर करते जाओ, आइडेंटिटी का स्क्वायर करें या क्यूब करें, कितनी भी पावर हम करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इसके बाद ए क्यूब निकालूँ तो फिर से वो यही आएगा, 1001 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है। ए की पावर 4 निकालूँ तो 1001, क्योंकि ए की पावर फोर से यहाँ पे मतलब है, सीधा सीधा अगर हम कहें तो ए की पावर 4 हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना आ रहा था, 1001 इंटू 1001 हो जाएगा। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इससे ये आ जाएगा 1001, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर नंबर हो गया सी, 1001। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें दिया हुआ है ई थीटा। ई थीटा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, 2/2 की मैट्रिक्स दी है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको वैल्यू निकालनी है ई अल्फा इंटू ई बीटा, ई अल्फा इंटू ई बीटा की वैल्यू निकालनी है।
अगर ई थीटा ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आपको ई अल्फा निकालना, तो ई अल्फा का मतलब हो गया थीटा की जगह पे आपको अल्फा रख देना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ई बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे आपको बीटा रख देना, साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, आते हैं अगले में माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा अंदर, और लास्ट एलिमेंट क्या आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखिए ये सारे जितनी भी आइडेंटिटीज़ बन रही है ये आपने 11th क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूले, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी साइन अल्फा प्लस बीटा, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको कंपेयर करिए आप ई थीटा से, पहला टर्म कॉस का है कॉस का आ रहा है, सेकंड साइन का है साइन का आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, कॉस है कॉस आ रहा है, लेकिन यहाँ थीटा है अगर ई थीटा तो यहाँ सारे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इनके साथ थीटा आ रहा है, हाँ तो वही टर्म्स रहे हैं लेकिन जो थीटा है उसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बी ऑप्शन है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करिए, एमसीक्यूज आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं मैट्रिसेस के, तो कोई भी एमसीक्यू आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ना हो पाए, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैट्रिसेस को प्रिपेयर करें, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।